आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में दिखाई देने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के बोर्ड, जैसे पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, गुड्स वार्निंग बोर्ड, लेवल क्रॉसिंग सिटी बोर्ड, रिपीटर सिटी बोर्ड, सामान्य सिटी बोर्ड, स्टेशन वार्निंग बोर्ड, टेल बोर्ड, स्टॉप बोर्ड, साइडिंग बोर्ड, बैनर फ्लैग इत्यादि के बारे में। इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए आइए देखते हैं। पहले बात करेंगे पैसेंजर वार्निंग बोर्ड के बारे में। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह बोर्ड पैसेंजर ट्रेन को वार्निंग देता है, यानी यह बोर्ड यात्री गाड़ी के लोको पायलट को इस बात की जानकारी देता है कि वह स्टेशन के समीप पहुँच रहा है। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड एक रिक्टेंगुलर बोर्ड यानी आयताकार बोर्ड होता है जिस पर येलो और ब्लैक कलर से तिरछी पट्टियां बनी होती है। यह ब्लैक और व्हाइट कलर के खंभों पर लगाया जाता है। यह देखने में जेब्रा जैसा लगता है, इसलिए इसे लोकल बोलचाल के भाषा में जेब्रा बोर्ड भी कहा जाता है। रात के समय लोको पायलट को दूर से हेडलाइट की रोशनी में यह बोर्ड दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर जो पीली तिरछी पट्टियाँ होती है उस पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो हेडलाइट की रोशनी में चमकते रहे। यह बोर्ड स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल या गेट रोक सिग्नल से 960 मीटर यानी 960 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यह बोर्ड सामान्यतः टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग सिस्टम में लगाया जाता है, लेकिन जिन स्टेशनों पर डिस्टेंट सिग्नल या अकेले खंभे पर वार्नर सिग्नल या डबल डिस्टेंट सिग्नल लगा है वहाँ पैसेंजर वार्निंग बोर्ड नहीं लगाया जाता है। इस बोर्ड को देखते ही चालक महोदय को आगे आने वाले स्टॉप बोर्ड के एस्पेक्ट को देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अब बात करेंगे गुड्स वार्निंग बोर्ड के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह बोर्ड गुड्स ट्रेन या मालगाड़ी को चेतावनी देता है। यह बोर्ड मालगाड़ी के लोको पायलट को इस बात की जानकारी देने के लिए लगाया जाता है कि वह स्टेशन के सिग्नलों के नज़दीक पहुँच रहा है। यह बोर्ड रिक्टेंगुलर यानी आयताकार होता है। इसका कलर ब्लैक होता है और इस पर दो येलो रंग के हॉरिजेंटल पट्टियां होती है और बीच में एक येलो रंग का गोल यानी राउंड होता है। इसे ब्लैक और व्हाइट रंग से पेंट किए गए खंभों पर लगाया जाता है। रात के समय लोको पायलट को दूर से यह हेडलाइट की रोशनी में दिखाई दे, इसके लिए इस बोर्ड पर जो पीली पट्टियाँ या जो राउंड है उस पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं जो कि हेडलाइट की रोशनी में चमकते हैं। इसे सामान्यतः स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल या गेट रोक सिग्नल से 1400 मीटर यानी 1400 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, लेकिन उच्च गति वाले सेक्शनों में इसे 1500 मीटर यानी 1500 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। वही घाट सेक्शनों में इस बोर्ड को 1700 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। सिंगल डिस्टेंट वाले सेक्शन में गुड्स वार्निंग बोर्ड लगाए जाते हैं, वहीं डबल डिस्टेंट वाले सेक्शन में गुड्स वार्निंग बोर्ड नहीं लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं सिटी बोर्ड की। तो सिटी बोर्ड तीन प्रकार के होते हैं। लेवल क्रॉसिंग सिटी बोर्ड जिसे WL बोर्ड कहा जाता है, रिपीटर सिटी बोर्ड जिसे RWL बोर्ड कहा जाता है, थर्ड है सामान्य सिटी बोर्ड जिसे W बोर्ड कहा जाता है। पहले बात करते हैं WL बोर्ड के बारे में। तो जिसे हिंदी में सिफा बोर्ड कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाटक के लिए सिटी बोर्ड। यह पीले रंग का आयताकार यानी रिक्टेंगुलर बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से WL या हिंदी के अक्षर सिफा लिखा रहता है। यह बोर्ड सभी आदमी वाले गेट यानी मैंड लेवल क्रॉसिंग गेट और बिना आदमी वाले गेट यानी अनमैंड लेवल क्रॉसिंग गेट दोनों पर लेवल क्रॉसिंग गेट से 600 यानी 600 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। लोको पायलट को जैसे ही यह बोर्ड दिखाई देता है तो उसे लेवल क्रॉसिंग गेट से गुजरने वाले को सूचित करने हेतु बार बार लंबी सीटी अंतराल से बजानी चाहिए जब तक कि वह लेवल क्रॉसिंग गेट से गुजर न जाए। इस बोर्ड को काले और सफ़ेद रंग से पेंट किए गए खंभे पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं RWL बोर्ड को। तो यह भी एक येलो कलर का वर्गाकार यानी स्क्वायर बोर्ड होता है जिस पर काले रंग से RWL लिखा रहता है। यह बोर्ड बिना आदमी वाले यानी अनमैंड लेवल क्रॉसिंग गेट से 250 मीटर की दूरी पर यानी 250 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इस बोर्ड से
चालक महोदय लगातार सीटी बजाते हुए पास करते हैं। इस बोर्ड को भी काले और सफ़ेद रंग से पेंट किए गए खंभे पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं डब्लू बोर्ड के बारे में, तो इसे हिंदी में सिटी बोर्ड कहा जाता है। यह भी एक पीले रंग का वर्गाकार यानी स्क्वायर बोर्ड होता है, जिस पर काले रंग से अंग्रेजी के अक्षर डब्लू यानी हिंदी अक्षर सी लिखा रहता है। यह बोर्ड उस स्थान पर लगाया जाता है जहाँ से गुलाई या सुरंग के कारण लोको पायलट को आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है। लोको पायलट जैसे ही इस बोर्ड को देखेंगे वह लगातार लंबी सीटी बजाते हुए पास करेंगे। इसकी दूरी गुलाई या कटिंग से 800 मीटर यानी 800 मीटर की दूरी पर या उससे कम दूरी पर लगाया जाता है। इससे भी सफ़ेद और काले रंग से पेंट किए गए खंभे पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्टेशन वार्निंग बोर्ड के बारे में, तो इसे एच बोर्ड भी कहा जाता है क्योंकि इसे हाल्ट या डी क्लास स्टेशनों पर लगाया जाता है। यह बोर्ड भी पीले रंग का स्क्वायर यानी वर्गाकार होता है, जिस पर काले रंग से एच लेटर लिखा रहता है। इसे डी क्लास स्टेशनों पर पहुंचने की सूचना देने के लिए लगाया जाता है। इसे प्लेटफॉर्म के सेंटर से 1200 मीटर यानी 1200 मीटर पहले लगाया जाता है। इसे भी ब्लैक और वाइट रंग से पेंट किए गए खंभों पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्टॉप बोर्ड की, तो यह एक पीले रंग का आयताकार बोर्ड होता है, जिस पर काले रंग से अंग्रेजी के स्टॉप अक्षर लिखा रहता है। इसे आवश्यकता अनुसार स्टेशन पर या यार्ड में वहाँ लगाया जाता है जहाँ स्टॉप सिग्नल न हो, जो कि लोको पायलट को यह संकेत देता है कि उसे ट्रेन को इस बोर्ड के पास रोकना है यानी खड़ी करनी है। अब बात करते हैं एस बोर्ड के बारे में, तो यह एक पीले रंग का गोल यानी राउंड बोर्ड होता है, राउंड, जिस पर अंग्रेजी में एस लेटर लिखा रहता है। यह बोर्ड उन स्टेशनों या ब्लॉक सेक्शन में लगा होता है जहां मेन लाइन से कोई साइडिंग निकल रही हो। यह बोर्ड साइडिंग का संकेत देता है। यह बोर्ड आउटलिंग साइडिंग से फेसिंग पॉइंट आउटलिंग साइडिंग के फेसिंग पॉइंट से 30 मीटर यानी 30 मीटर पहले लगाया जाता है। अब बात करते हैं टेल बोर्ड के बारे में, तो यह एक छोटा लाल रंग का बोर्ड होता है, जिस पर सफ़ेद रंग से अंग्रेजी के LV अक्षर लिखा रहता है। LV का मतलब होता है लास्ट व्हीकल, यानी हिंदी में कहते हैं अंतिम वाहन। यह बोर्ड गार्ड महोदय को पर्सनली रूप से दिया जाता है, जिसका प्रयोग गार्ड महोदय दिन के समय लास्ट व्हीकल पर लगाकर करते हैं। इस बोर्ड को देखते के बाद ही स्टेशन कर्मचारियों को गाड़ी के पूरी तरह से आने का पता चलता है और उसके बाद ही स्टेशन को क्लियर करते हैं और अगले गाड़ी को लाइन क्लियर दे पाते हैं। अब बात करते हैं बैनर फ्लैग के बारे में, तो यह सिग्नल लाल रंग के आयताकार कपड़ों का बना होता है, जिस पर दो डंडों की मदद से लाइन के आर पार लगाया जाता है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कार्यस्थल से पहले गाड़ी को रुक कर जाना हो। जब इंजीनियरिंग कार्य एक दिन से अधिक अवधि का हो, तब इसे कार्यस्थल से 27 मीटर यानी 27 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद।